हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय गेट अनरेडी वीडियो। और आज की होने वाली है स्किन केयर ट्यूटोरियल वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेकअप लुक आपने देख ही लिया होगा इससे पहले वाली मेकअप ट्यूटोरियल वीडियो में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये हेडबैंड अप्लाई करूँगी। इस बार मैं हमेशा भूल जाती हूँ हेडबैंड अप्लाई करना, और ये वैसे ज़रूरी नहीं है, आप टॉवल भी लपेट सकते हो या कोई भी हेयर बैंड जो होते हैं वो भी आप लगा सकते हो। इन टुडेज़ वीडियो दोस्तों, मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स, जो कि होने वाला है गुड वाइब्स वन ब्रांड स्किन केयर ट्यूटोरियल। ऑल्सो पर्पल में चल रही है पर्पल ब्यूटी कार्निवल सेल, अप टू 50% ऑफ फ्रॉम 21st to 26th August। तो आप ज़रूर चेकआउट करना। मैं बाय टू एंड गेट टू फ्री का ऑफर चल रहा है, और आप 4 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं अपने कार्ट में, जिसमें आपको सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स के लिए ही पे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फॉल्सीज हटा रही हूँ, और यहाँ पे मैं हल्का सा स्किन को स्ट्रेच करके इसको रिमूव करूंगी। इससे क्या होगा, आपके से मतलब मेरे नेचुरल लैशेस को भी खींच देता है, तो उससे मेरी आंखों में स्वेलिंग हो जाता है। तो वो चीज़ अवॉइड करने के लिए बहुत केयरफुली रिमूव कीजिए, स्किन को स्ट्रेच कीजिए एंड देन रिमूव योर लैशेज। यहाँ पे मैंने ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर लिया है, और यहाँ पे ट्राई करूँ पूरे फेस पे, क्योंकि मैंने ग्लिटर मेकअप किया हुआ है, आई मेकअप स्पेशली, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑयल बेस्ड यूज़ कर रही हूँ। अगर बहुत ही सटल मेकअप होता है तो मैं वाटर बेस्ड मेकअप रिमूवर यूज़ करती हूँ। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज दूंगी मेरे फेस को, आईज को, जिस एरिया में मैंने लिपस्टिक लगा रखा है, मेरे लिप्स पे, चीक्स पे, और वेट टॉवल की हेल्प से मैं इसको रिमूव करूँगी, क्योंकि ये ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर है, तो इसलिए मुझे टॉवल को वेट करके इसको रिमूव करना होता है। अदरवाइज अगर आप यू नो डायरेक्ट फेस वॉश यूज़ करेंगे तो इतने अच्छे से रिमूव नहीं होगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का लेमन फोमिंग फेस वॉश विद डीप क्लेंजिंग ब्रश। ये स्किन को ब्राइटन करने के लिए है, और आपकी अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत अच्छा है ये। स्क्वीज कीजिए, प्रोडक्ट आ जाएगा, फोम में है प्रोडक्ट, और इसको यहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज दूंगी फेस पे, ताकि मेरे ओपन पोर्स के अंदर जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स गए हैं, डर्ट गया है, सब रिमूव कर देगा यार। बहुत अच्छे से आप टाइम लगा के इसको करते रहो आराम से। इतना ये ऑल स्किन टाइप के लिए है प्रोडक्ट, सो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। एंटी बैक्टीरियल है एंड नेचुरल एस्ट्रिंजेंट का काम करता है ये, तो आप डेली यूज कर सकते हैं इस फेस वॉश को। आपके स्पॉट्स को लाइटन करने के भी बहुत अच्छा है, और आपको ब्राइटन इफेक्ट देगा ये फेस पे। ये है गुड वाइब्स का हनी ग्लो टोनर, बहुत ही हाइड्रेटिंग है गाइस, और बहुत ही मॉइस्चराइजिंग है। इसको पूरे फेस पे मैंने अप्लाई कर दिया है, स्प्रे कर दिया है और आपके सीबम प्रोडक्शन को ये कंट्रोल करेगा, पोर्स को ये अनक्लॉक करेगा, और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज कंटेन करता है, सो आपकी स्किन पे ये बहुत ही सूदिंग इफेक्ट देगा। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल फेस सीरम। ये स्किन टोन को इवन आउट करता है, ऑयल प्रोडक्शन को रिड्यूस करता है, न्यूट्रिएंट रिच है, और नरिशमेंट प्रोवाइड करता है दोस्तों। एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके ब्लेमिशेस होंगे किसी भी तरह के, तो उसको फेड करेगा। तो उसको अच्छे से अप्लाई कर दिया मैंने, यू कैन टेक फ्यू ड्रॉप्स एंड अप्लाई इट ऑल ओवर योर फेस, कंप्लीटली अब्सॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में। लास्ट में दोस्तों, मैं अप्लाई कर रही हूँ ये गुड वाइब्स का मॉइस्चराइजिंग फेस जेल है, नीम एंड तुलसी। सो नीम एंड तुलसी सबसे अच्छा वर्क करेगा ये एक्नी प्रोन स्किन के लिए, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो एक्नी स्किन वालों को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए ये बेस्ट वर्क करेगा, क्योंकि ये बहुत ही कूलिंग इफेक्ट देगा आपके फेस पे जब आप इसे अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ले लिया है स्कूप और अप्लाई कर दिया है मेरे पूरे फेस पे अच्छे से। यहाँ पे मैं सर्कुलर मोशन में, अपवर्ड मोशन में मसाज दूंगी अपने फेस पे। आप इसको डे टाइम में यूज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और आपके फेस को बिल्कुल क्लियर कर देगा, ग्लोइंग फेस बना देगा, और आपकी एक्नी और ब्लेमिशेस को ये प्रिवेंट करेगा। सो डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा, दिस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। सो हियर इज द फाइनल लुक। वाओ, कितना अच्छा फील आ रहा है ना मेकअप हटाने के बाद एंड स्किन केयर करने के बाद। आई जस्ट लव माय नेचुरल फेस। सो गाइस, अगर आपको भी चाहिए इस तरह का ब्यूटीफुल हेल्दी स्किन, ये अफोर्डेबल स्किन केयर रूटीन आप जरूर फॉलो कीजिएगा, एंड लिंक मैंने प्रोवाइड कर दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही गाइस। अगर आपको आज की ये स्किन केयर ट्यूटोरियल पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी आपको आज की ये ट्यूटोरियल, एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।